हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट क्लास 12th का आप सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़नी होगी, है ना, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सवाल बच्चों इस पे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों ये चैप्टर, लेकिन सीईटी में अगर आप एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जेई के लिए, नीट के लिए भी बच्चों ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ इस तरह से इस चैप्टर को प्लान करेंगे कि ताकि आपका बोर्ड भी कवर हो, मतलब बोर्ड में किस तरह के सवाल आएंगे, उसके बाद बच्चों सीईटी में, एमएसटी सीईटी में किस तरह के सवाल आते हैं, जेई नीट में किस तरह के सवाल आते हैं, सारी चीज़ें मैं अलग से आपको इसमें बताता जाऊंगा बच्चों। लेकिन पहले जो कॉमन चीज़ें हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, नीट के लिए, वो सबसे पहले पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो पहला जो चारों में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम पहले कवर करते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बाद में बताता करूंगा बच्चों, ठीक है। चलो तो करना है स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर जो है बच्चों आज जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टडी होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं बच्चों। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब देखो, अभी तक आपने बहुत सारे कंपाउंड बच्चों देखे हैं, जैसे अगर आपको बताना है आपने NaCl देखा होगा। अब ये जो NaCl नाम का कंपाउंड है बच्चों, ये तो आप बहुत बार देखते आ रहे हो, तो इसमें Na प्लस Cl माइनस होता है, तो ये वाला जो है ना बच्चों ये आयोनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों, ये आयोनिक कंपाउंड होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर मैं दूसरे कंपाउंड की बात करता हूँ बच्चों, जैसे मेरे पास CH4 है ना, CH4 मतलब मिथेन है बच्चों। अब CH4 को कैसे लिखते हैं बच्चों हम, जैसे ये कार्बन है, इसे ऐसे चार हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये वाला जो है ना बच्चों इसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा बच्चों, है ना। तो ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये आपने अभी तक देखे होंगे, आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नया है बच्चों, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो टॉपिक है ना ये नया है, अभी तक आपने देखा नहीं होगा, ये चीजें आपने सुनी नहीं होगी। तो आयोनिक कंपाउंड आपको पता है जैसे NaCl, कोवेलेंट कंपाउंड जैसे मिथेन है बच्चों जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो आज एक नया कंपाउंड हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टडी होता है वो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। अब ये कंपाउंड जो है ना बच्चों आपको कुछ नया नहीं है, जैसे आपने क्लोरोफिल बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना, प्लांट सेल में होता है, पता है ना। तो ये प्लांट में होता है बच्चों क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो इस पे सवाल बन सकता है, आना चाहिए। तो क्लोरोफिल बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका, तो मैग्नीशियम का, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों मैग्नीशियम का। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों। हीमोग्लोबिन भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन ये किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके क्लियर। तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ये वाले नाम तो सुने होंगे ना बच्चों। तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ओके। उसके बाद बच्चों जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में अभी हम पढ़ते जाएंगे बच्चों, क्लियर, क्लियर है क्या। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी बच्चों ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं हम, देखो। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें बच्चों आपको सेंट्रल मेटल दिखेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या दिखेगा बच्चों, आपको सेंट्रल मेटल दिखेगा, और उसे सराउंड करेंगे बच्चों आयंस या फिर एटम्स, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है, वो मेटल आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, उसे सराउंड कौन करने वाला है, तो उसे सराउंड करने वाले हैं बच्चों अपोजिटली चार्ज आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, थोड़ा शायद मैंने पहले गलती पढ़ते वक्त गलती कर दी, फिर से एक बार सुनो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स अ सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, सराउंडेड बाय नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, है ना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसका मीनिंग क्या है वो सबसे पहले समझ लो आप, ठीक है। तो मीनिंग समझो इसका क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, सीयू या फिर सीओ वाला लिखता हूँ, ठीक है। सीओ है, कोबाल्ट है, उसके बाद यहाँ पे NH3 है बच्चों, NH3/6, ओके, और बाहर बच्चों Cl3 है, कुछ इस तरह का कंपाउंड मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सीओ है ना, ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जो मैंने लिखा है बच्चों ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो आपके लिए नया है, ऐसा कंपाउंड आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे ये जो कोबाल्ट है ना बच्चों, ये जो कोबाल्ट है ये आपका सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल। और इस सेंट्रल मेटल में बच्चों देखो, सेंट्रल मेटल को यहाँ पे सराउंड कर रहे हैं ये जो NH3 है, 6 NH3 मॉलिक्यूल्स है बच्चों। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या करेंगे बच्चों, इस सेंट्रल मेटल को सराउंड करेंगे, ठीक है। ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये सेंट्रल मेटल को क्या करेगा, सराउंड करेगा बच्चों, ओके। या फिर अपोजिटली चार्ज आयन भी हो सकते हैं। अपोजिटली चार्ज आयन का एग्जाम्पल अगर समझना है, जैसे बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीओ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl3, उसके बाद लिख दिया NH3/3, है ना, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो कोबाल्ट है बच्चों, है ना, ये जो सीओ है ये आपका सेंट्रल मेटल है, और ये जो Cl है बच्चों ये क्या है, ये निगेटिवली चार्ज आयन है। Cl क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज आयन है बच्चों। और जो सीओ आपको दिख रहा है, सीओ कोबाल्ट, ये आपका सेंट्रल मेटल है ना, तो ये सेंट्रल मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उसे निगेटिवली चार्ज आयन सराउंड करेंगे, और उसके साथ ये NH3 भी सराउंड करेगा। NH3 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये भी बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये भी क्या है बच्चों एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिस पे ये सेंट्रल मेटल है उसे सराउंड करेंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर अपोजिटली चार्ज आयन, या फिर दोनों कर सकते हैं, ओके। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अभी इतना डिटेल में आपको नहीं समझेगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे बच्चों ये चीजें आपको क्लियर होते जाएगी कि किस तरह से होते हैं। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, इसमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है। कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो ये बॉन्ड होता है बच्चों बिटवीन मेटल एटम और आयन, है ना, ये आपका मेटल एटम है या फिर आयन है बच्चों, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों एक बॉन्ड आपको दिखेगा, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और सेंट्रल मेटल के बीच में, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी कह सकते हो या फिर आयन भी कह सकते हो, ठीक है। कैसे बॉन्ड होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अभी हमें बात करनी है। तो ये सीओ को यहाँ पे 6 NH3 अटैच है बच्चों। अब ये जो 6 NH3 यहाँ पे अटैच है, ये किस तरह से अटैच होते हैं उसकी बात अभी मैं करूँगा, ठीक है। तो एक मिनट मैं थोड़ा मेरा पोजीशन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये पीछे वाला पार्ट दिख सके। 2 मिनट नहीं होगा चेंज, नहीं होगा शायद, जाने दो। देखो तो यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ, ये सीओ है, इसे 6 NH3 अटैच है बच्चों। तो मैं ऐसे एक पेज ले लेता हूँ, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जैसे मेरे पास सीओ है बच्चों, अब इस सीओ को 6 NH3 अटैच है, तो ये 6 NH3 बच्चों कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 NH3, तो यहाँ पे एक NH3 अटैच है बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे NH3 लगा रहा हूँ। तो ये 6 NH3 बच्चों इसे अटैच है। अब ये NH3 जो है ये क्या काम करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ा। ये 6 NH3 होते हैं। अब ये जो NH3 है ना बच्चों, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर CO को डोनेट करेगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो CO को डोनेट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो CO को डोनेट करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये CO को डोनेट करेगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, डोनेट करेगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, डोनेट करेगा, ओके। तो ये जो है ना बच्चों, ये वाला NH3, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है, CO को डोनेट कर रहा है बच्चों,
ओके, तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन इनके बीच में हुआ है बच्चों, है ना, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये NH3 क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर CO के साथ शेयर करेगा बच्चों, अपना पेयर क्या करेगा, वो CO के साथ शेयर करेगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों, ये वाला बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, जो बॉन्ड किसके बीच में बनता है, सेंट्रल मेटल और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसके बीच में बच्चों ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया, जो किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर की वजह से। मतलब ये NH3 क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर CO को देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा बच्चों इसके साथ, है ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब इस बॉन्ड में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों इलेक्ट्रॉन NH3 के हैं, CO का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, NH3 के हैं बच्चों। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों CO ले रहा है, ठीक है, किस लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों, ठीक है। ये अभी भी आपको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो अभी आपको मुझे आगे समझानी है, तब ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों यहां पे आता है, जो है लिगंड। किसके बारे में पढ़ना है हमें, लिगंड के बारे में। अब ये लिगंड होता क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया बच्चों, ये वाला, ये जो NH3 आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो NH3 आपको दिख रहे हैं, ये NH3 मतलब होता है बच्चों लिगंड, ठीक है। ये जो NH3 आपको दिख रहा है ना, ये NH3 क्या होता है बच्चों, लिगंड होता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, लिगंड है। अब लिगंड का काम क्या है वो समझ में आया क्या आपको, बताओ लिगंड क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है बच्चों, है ना। लिगंड क्या काम कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसके पास, वो CO को दे रहा है। और ये CO क्या है, तो CO बच्चों सेंट्रल मेटल है ना, ये जो CO आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये CO जो है ये क्या है, सेंट्रल मेटल है बच्चों, सेंट्रल मेटल। तो इस सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन करता है, लिगंड करता है, मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, समझो, द मॉलिक्यूल और आयन विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम, मेटल एटम के साथ जो मॉलिक्यूल या फिर आयन कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, मेटल एटम के साथ या फिर आयन के साथ, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ठीक है। और अगर और अच्छी तरह से समझना है इसे, तो लिगंड क्या है, तो लिगंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, लिगंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, लिगंड कहेंगे, ओके, या फिर डोनर ग्रुप्स कहेंगे, लिगंड कहो या फिर डोनर ग्रुप्स कहो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो लिगंड है बच्चों। और ये जो लिगंड होते हैं, ये निगेटिव आयन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, लेकिन ये लेस कॉमन है, ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे पॉजिटिव आयन, लेकिन निगेटिव आयन्स ये हमारे सिलेबस में तो है, निगेटिव आयन वाला पार्ट है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे मैंने NH3 बता दिया आपको, ठीक है, जैसे NH3 बता दिया, ओके। उसके बाद अगर निगेटिव आयन की बात करनी है, तो जैसे Cl- है बच्चों, तो ये लिगंड है जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। अब इसे अगर मुझे समझना है तो कैसे समझूंगा मैं, देखो जैसे मेरे पास NH3 है, ये यन, इसे तीन यच अटैच है बच्चों, देखो ये, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ओके क्लियर। अब आगे अब सुनो, अब ये तो NH3 हो गया जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। उसके बाद अगर मैंने H2O ले लिया बच्चों, ये ऑक्सीजन है, इसे दो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये देखो ऑक्सीजन के पास भी बच्चों इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है बच्चों, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ओके, मतलब ये क्या है, लिगंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मतलब क्या है, लिगंड है बच्चों, कर सकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं, तो आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं उन्हें हम लेविस एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हम
लेविस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम लेविस एसिड कहते हैं। तो ये जो लिगंड होते हैं ना बच्चों, ये लिगंड लेविस एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ओके क्लियर, ठीक है ना। तो ये जो लिगंड है बच्चों, अभी इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो लिगंड को हम क्या करेंगे, अभी क्लासिफाई करेंगे बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, उसमें डोनर एटम्स कितने हैं, उसका डेंटिसिटी क्या है बच्चों, उस बेसिस पे हमें उसे क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगंड की बात करेंगे, मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड। तो ये जो लिगंड होते हैं मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड, तो ये ऐसे लिगंड मॉलिक्यूल है या फिर आयन है बच्चों, विच हैज ओनली वन डोनर एटम, जिसमें एक ही डोनर एटम होगा, या फिर आप उसे कह सकते हो वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, एंड कैन कोऑर्डिनेट विद द मेटल आयन ओनली एट वन साइट इन अ कॉम्प्लेक्स, जो एक ही साइट में क्या करेंगे, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी अभी आपको NH3 बोला, तो ये जो NH3 है बच्चों, तो इसमें डोनर एटम कितना है देखो, तो NH3 में ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो एक ही डोनर एटम है और ये एक ही साइट से अटैच हो सकता है, ये मोनोडेंटेड लिगंड है। जैसे दूसरा एग्जांपल बच्चों, मेरे पास H2O है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन अटैच है कुछ ऐसे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दो होते हैं लेकिन एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ओके कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे Cl माइनस है, तो Cl माइनस है बच्चों, तो Cl माइनस के पास ऐसे चार इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं बराबर, तो ये क्या करेगा, एक ही तरफ से अटैच हो सकता है। तो ये मोनोडेंटेड लिगंड है बच्चों, एक डोनर एटम है, इसमें क्या है, एक डोनर एटम है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक साइड से ये क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं सेंट्रल मेटल को, ठीक है, सेंट्रल मेटल को एक साइड से अटैच हो सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ही है बच्चों, एक ही डोनर एटम है, ये मोनोडेंटेड होता है या फिर यूनिडेंटेड लिगंड बच्चों हम इसे कहेंगे। दूसरा जो है हमारे, ये मोनोडेंटेड का एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने वही समझाया है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, डोनेट करेगा। अभी ये जो वाटर है ना बच्चों, इसे एक्वा कहते हैं या फिर एक्वो भी कहते हैं, एक्वा कहो या फिर एक्वो कहो, ठीक है। और ये जो अमोनिया होता है, इसे अमीन कहते हैं, ये डबल एम चाहिए, अमीन ऐसे होता है, ठीक है, अमीन होता है बच्चों, अमोनिया को अमीन कहते हैं। और इसमें भी देखो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये क्या करेगा बच्चों, डोनेट करेगा। ओके क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, ये मोनोडेंटेड है बच्चों। अब बात करेंगे हम पॉलीडेंटेड लिगंड की, तो पॉलीडेंटेड में क्या होगा, या फिर उसे मल्टीडेंटेड लिगंड भी हम कह सकते हैं। देखो अभी तो पॉलीडेंटेड या फिर मल्टीडेंटेड की बात कर रहे हैं, तो द लिगंड मॉलिक्यूल और आयन, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, विच हैज टू और मोर डोनर एटम, जिसमें बच्चों दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, ओके दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, डोनर एटम्स होंगे, और उसे ही कह सकते हो आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दो या दो से ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगी, मतलब ही कैन कोऑर्डिनेट विथ मेटल आयन एट टू और मोर साइट, वो दो या दो से ज्यादा साइट से कॉम्प्लेक्स में क्या कर सकते हैं, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अटैचमेंट होगी बच्चों इसमें, मतलब डोनर एटम भी दो या दो से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो इसे समझना थोड़ा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा, तो सुनो। तो यहाँ पे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ लिगंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, तो ये बच्चों एक रिंग बनाता है, उसे मेटल बीइंग अ पार्ट ऑफ रिंग, और जो मेटल है वो रिंग का पार्ट होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स के अंदर, कैसे तो समझो। जैसे बच्चों मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इथिलीन डायमाइन, कौन सा एग्जाम्पल है मेरे पास, इथिलीन डायमाइन, ठीक है, इथिलीन डायमाइन है। अब इथिलीन डायमाइन होता क्या है, तो बच्चों हमारे पास इथ का मतलब होता है दो कार्बन, ये हो गया, और दो अमाइन है, अमाइन मतलब होता है NH2, ओके अमाइन मतलब होता है बच्चों NH2। अब यहां पे है क्या, तो इस नाइट्रोजन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन का पेयर है देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, देखो इसके पास दो डोनर एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, तो डोनर एटम कितने बच्चों यहाँ पे दो हैं, तो इथिलीन डायमाइन में दो डोनर एटम होते हैं, इसका मतलब बच्चों ये बाइडेंटेड लिगंड हुआ। इसे क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगंड, जिसमें बच्चों दो डोनर एटम होंगे उसे क्या कहेंगे हम, बाइडेंटेड लिगंड कहेंगे, दो डोनर एटम है। जो सेंट्रल मेटल को क्या करेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे। अब सेंट्रल मेटल कौन सा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे Cu2+ है सपोज, ठीक है, कुछ ऐसे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे देगा, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा वो भी चेक कर लो। तो ये बच्चों CH2, उसके बाद फिर से CH2, और यहाँ अटैच है बच्चों NH2, यहाँ पे भी कौन अटैच है, NH2, और यहाँ पे Cu है बच्चों। अब होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे देगा बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इसे देगा। देखो तो यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, रिंग का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, रिंग स्ट्रक्चर। और ये मेटल जो है वो रिंग रिंग का ही पार्ट है बच्चों, ये जो Cu कॉपर मेटल है ये इस रिंग का ही पार्ट है बच्चों। ओके, तो पॉलीडेंटेड लिगंड समझ में आया, उसे ही हम मल्टीडेंटेड लिगंड कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है बच्चों, और कैन कोऑर्डिनेट विथ मेटल आयन एट टू और मोर साइट इन अ कॉम्प्लेक्स। तो ये इथिलीन डायमाइन है बच्चों जो बाइडेंटेड लिगंड है। ओके, तो ऐसे बाइडेंटेड होता है, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ये हमें पढ़ने हैं बच्चों डिटेल में, लेकिन आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, छोटा सा वीडियो है, छोटा है, इसके बाद के वीडियो में बच्चों आगे के पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, चलो, तो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, चलो, तो मिलते हैं बच्चों अभी अगले क्लास में, बाय बाय बच्चों।